जय माता दी बंधुओं, सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के राशिफल के बारे में, दिनांक 14, 15, 16, 17, 18, 19 सितंबर के लिए। वीडियो पूरा देखें और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। आज आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध है, हमारी बहन का एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जलपरी है, हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इन दिनों चंद्रमा आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भावों में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा और बुध देव भी इन दिनों आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। इन दिनों की शुरुआत नवम भाव में चंद्र के गोचर से होगी। इस समय आप समाज के बीच अपनी पकड़ कुछ कमजोर होती महसूस करेंगे, क्योंकि इस समय आपके मान सम्मान में विशेष तौर पर कमी देखी जा सकती है। अपने पिताजी का ध्यान रखें, उन्हें कोई समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन ये यात्रा आपके लिए कुछ कष्टदायक साबित हो सकती है, इसीलिए अगर मुमकिन हो तो इसे टाल दें। आपके अपने भाई बहनों से संबंधों में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, इसीलिए ऐसी हर स्थिति में खुद को शांत रख कर कोई निर्णय लें। हालांकि बात चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आपके घर परिवार में सुख शांति का अनुभव होगा। आप भी अपना जरूरी समय घर पर दे पाएंगे, जिससे आपका परिवार के प्रति अधिक समय व्यतीत होगा। अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब था तो इस समय उसमें सुधार आएगा। इन दिनों के मध्य में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में होंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि इस समय आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर उससे लाभ हासिल कर सकते हैं। जो लोग विदेशों में या घर से दूर रहते हैं, उनके लिए यह समय विशेष तौर पर अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा जहां इन दिनों शुक्रदेव का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा, वहीं बुधदेव भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको इस समय अपनी छवि को दूषित होने से रोकना होगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति आपका अच्छा व्यवहार ही आपका मान बढ़ाएगा। अन्यथा महिलाओं से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार आपको मान सम्मान की हानि करा सकता है। इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसीलिए सही रणनीति के साथ ही अपना धन खर्च करें। अनियोजित यात्रा पर जाने के अवसर मिलेंगे, हालांकि अपने प्रयासों को जारी रखें, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय माता दी।